दोस्तों पिछले कुछ घंटों के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस के अंदर एक तेजी हमें देखने को मिली है। एक अच्छा खासा छोटा सा पंप हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर आप वॉल्यूम को इसके साथ मैच यहाँ पे करके देखोगे तो जहां एक तरफ प्राइस ऊपर की साइड यहाँ पे इंक्रीज करा है, वहीं वॉल्यूम हमें लगातार डिक्रीज होती हुई दिखी है। अभी क्या इंडिकेशन देता है मार्केट के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पे बिटकॉइन का अगर आप इनफ्लो देखोगे तो वहां पर भी अच्छा खासा इनफ्लो हमें देखने को मिला है। क्या ये सारी चीजें मिलकर यहाँ पे एक क्रैश का इंडिकेशन दे रही है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो टेस्ट को लेकर जो न्यूज आई है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या क्रिप्टो टैक्स यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। एंड लास्ट में मैं आपको एक अपडेट शेयर करूंगा कि मेरा ओवरव्यू मार्केट से क्या है एंड आज के लिए ट्रेड हमारी क्या बनती है। बाकी कल मैंने आपके साथ एक ट्रेड यहाँ पे शेयर करी थी बीएनबी को लेके, जहां पे हमने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो चाहो तो आप भी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां पे ऐसी फ्री में ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जैसे हमने बीएनबी के अंदर प्रॉफिट बनाया, और भी आने वाले दिनों के अंदर हम प्रॉफिट यहाँ पे बनाने वाले हैं, और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप भी यहाँ पे प्रॉफिट बना पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के बारे में। यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हो हमारे पास इस टाइम पे जो डेली चार्ट के अंदर एक बेयर फ्लैग पैटर्न बना था वो अभी यहाँ पे फॉलो अप होता हुआ दिख रहा है। मार्केट जो है यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो उसी के अंदर इस टाइम पे घूमता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये हमें देखने को मिली है कि जहाँ पे प्राइस एक टाइम आप देखोगे ऊपर की साइड यहाँ पे जा रहा था, वही वॉल्यूम यहाँ पे लगातार डिक्रीज होती हुई दिख रही थी हमें डेली चार्ट के हिसाब से। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं जहाँ पे हम ट्रेड भी करते हैं इसको देखते हुए, तो उसको भी आप देखोगे जहाँ पे अभी प्राइस कुछ हमें जंप करता हुआ दिखा, वही वॉल्यूम के अंदर हमें कोई बड़ा इंक्रीज देखने को मिला इवन यहाँ पे, और डिक्रीज होती हुई वॉल्यूम देखी है जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन हमें देता है कि मार्केट के अंदर ये एक फेक पंप यहाँ पे आया है। अब किस तरीके से इसको ट्रेड करना है उसको हम समझते हैं, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल वाली वीडियो की। तो कल मैंने आपको बोला था कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो रहेगा, एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी कुछ इस तरीके का, बट ऊपर नहीं गया प्राइस, यहीं से प्राइस ने डंप करना स्टार्ट कर दिया। ऑल ओवर हमारी बीएरिश यहाँ पे ट्रेड थी, हमने बीएनबी के अंदर ट्रेड दी थी जहाँ पे हमने प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाया। ऑल ओवर आप कैलकुलेट करके देखोगे यहाँ से हमने शॉर्ट लिया था, ठीक है, और लगभग लगभग हमने यहाँ पे 5% का शॉर्ट से प्रॉफिट निकाल दिया, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट होता है मेरे हिसाब से। अभी भी यहाँ पे ऑल ओवर आप देखोगे तो एक ट्रेड बनेगा, वो ट्रेड कब बनेगा हमें सिर्फ वेट करना है कुछ इस टाइप की कैंडल का। जैसे यहाँ पे एक ऊपर विक के साथ ये वाली ऊपर विक थी और एक रेड कैंडल बनी थी, वैसे ही अगर कोई ऊपर की साइड हमें विक देखने को मिलती है कैंडल के साथ और वो रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट लेके अपना स्टॉप लॉस 255 या 256 के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं इजली, और वो हमारे लिए एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन जाए बीएनबी के अंदर दोबारा से। बट जब तक यहां पे कोई ऐसी कैंडल नहीं बनती है तब तक वो ट्रेड हमें नहीं लेना है, सिर्फ वेट करना है उस कैंडल का। जैसे ही बनेगी मैं आपको एक अपडेट भी डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जहां से आप रेगुलर अपडेट लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो अपडेट था बीएनबी का ऑल ओवर किस तरीके से ट्रेड करना है। आ जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन का अगर आप 4 आवर चार्ट यहां पे देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, दो लेवल्स हैं जहां से बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट लेके चल सकते हैं। $19,900 का एक लेवल है जिसको आप $16,900 का एक लेवल है, जो प्रीवियस टाइम में भी अच्छा रेजिस्टेंस बिटकॉइन के लिए रहा था, उसके बाद फिर सपोर्ट बना, अब फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर जाता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है, कोई रेड कैंडल यहाँ पर जाके बनाता है, तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसके जस्ट यहाँ पर ऊपर रहेगा। अगर प्राइस 4 आवर के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसको ऊपर निकल जाता है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा से करके इस पर आए, यहाँ पर रिटेस्ट करना आएगा तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे ट्रेड के अंदर। बाकी वॉल्यूम लो है तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि यहाँ पर रेड कैंडल बनके प्राइस क्रैश करना स्टार्ट करें। बाकी थोड़ा सा डिपेंड भी करेगा ये न्यूज़ के ऊपर, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को वहां पे मिल जाए। उसके अलावा अगर आप S&P 500 को देखोगे, US की मार्केट के इंडेक्स को, तो ऑल ओवर यहाँ पे क्रैश कर रहा है, तो वहां से हम नेगेटिव है अभी भी, तो चांसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि डंप करने के समय पर थोड़े से ज्यादा रहेंगे। अब बड़ा डंप कब आ सकता है उसको इंडिकेट करने के लिए सिंपल सा हम डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो लेवल है बेसिकली, जिसको मैं एक लेवल ही कर देता हूँ यहाँ पे इजी करने के लिए। $15,800 का एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जैसे ही यहाँ पे 4 आवर कैंडल क्लोज होती है वैसे ही मेरे हिसाब से एक शॉर्ट एंट्री बड़ी बन सकती है, जहाँ पे हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे ऐसे नीचे आएगा ये ऐसे क्लोज होती रहेगी, तो वो ट्रेंड लाइन का इतना मैटर नहीं करेगा। तो मैं लेवल टू लेवल ट्रेड आपको बता रहा हूँ, दो लेवल हमारे पास रहेंगे, एक पूरी रेंज मान लो या फिर आप इसको जो कि रहेगी हमारी $16,200 से लेके और ये वाली रेंज $15,750 की, इस रेंज के बीच में जब तक प्राइस है एक अच्छे सपोर्ट पर प्राइस है। ये रेंज जैसे ही टूटेगी, इसकी प्राइस जैसे ही नीचे यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा वैसे ही शॉर्ट कर सकते हो आप मार्केट में, और स्विंग ट्रेड ले सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो उसको बिटकॉइन के अंदर। बाकी हमें ये जो छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हैं उससे हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेते रहना है और क्लोज
करते रहना ट्रेड को। अब बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में। इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम को आप देख सकते हो नॉर्मल सा मूवमेंट है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे गिर रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हम वेट करेंगे दो लेवल्स का इथेरियम के लिए। बेसिकली यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लेवल है, एक है 1219 और एक है 1241। इन दो लेवल्स पर इथेरियम जब आएगा, अगर यहाँ से डायरेक्शन लेता है तो यहीं से शॉर्ट कर लेंगे, और अगर प्राइस ऊपर जाकर यहाँ से डायरेक्शन लेता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट करने का हम देखेंगे। जहाँ पे भी प्राइस रेड कैंडल बनाएगा और रेड कैंडल की जो वीक होगी वो ऊपर ज्यादा होगी, वहां से हम शॉर्ट करने का देखेंगे, ये आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है। उसके बाद बात करें मैटिक के बारे में, सेम कंडीशन है मैटिक को लेके, 0.8196 से शॉर्ट का देख सकते हैं हम, वहां पे प्राइस को जाने दो, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा हम शॉर्ट का देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें बीएनबी के बारे में, वहीं वहां पे भी सेम कंडीशन वही है, $251.9 का एक लेवल है, यहाँ से अगर रिजेक्शन आता तो जैसे हमने पहले ट्रेड लिया था वैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ऑल ओवर ये अपडेट था यहाँ पे सारे क्रिप्टो करेंसी का जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। बात करते हैं क्रिप्टो कॉइन के डाटा की। बेसिकली तो यहाँ पे बिटकॉइन का एक्सचेंज इनफ्लो था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बड़ा आया था काफी वो 12 तारीख को आया था, फिर 13 तारीख को भी अच्छा खासा हमें देखने को मिला, फिर हमें मार्केट के अंदर क्रैश भी देखने को मिल गया। अभी एक एक्सचेंज इनफ्लो जो आया यहाँ पे 18 को आया, और अभी भी आप 19 तारीख को देखोगे वो इनकम्प्लीट डाटा है, वहां पर भी थोड़ा बहुत हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे ये जो लेवल मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये वॉल्यूम के साथ सारी चीजें मैच करती हैं, रेड कैंडल बनती है, तो एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम बना सकते हैं, सारी चीजें आपस में यहाँ पे मैच कर दी है, तो आप तैयार रहना एक शॉर्ट ट्रेड के लिए। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अब काफी लोगों का क्वेश्चन था कि इंडिया पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ सवाल पूछे गए पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे ये बोला गया बेसिकली जो बजट सेशन आने वाला है 2023 के स्टार्टिंग के अंदर, वहां पे हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे क्रिप्टो को लेके, जहां पे तीन चीजें क्लियरिफाई करेंगे। पहली कि क्रिप्टो भी अभी तक यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है इंडिया के अंदर, एंड क्रिप्टो के अंदर जो रेगुलेशन आएंगी वो बाकी यहाँ पे जो देश हैं जितने भी जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, यहाँ पे यूएस, अमेरिका और यूके, सब को मिला के यहाँ पे लाई जाएंगी। एक अकेला देश इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं ला सकता, क्योंकि ऑल ओवर ये वर्ल्ड की यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे चलती है क्रिप्टो करेंसी, ना कि कोई सिंगल यहाँ पे कंट्रीज को रेगुलेट कर पाएगी। बाकी दूसरी चीज ये भी बोली गई कि यहाँ पे जो बाकी जो न्यूज निकल के आएंगी क्रिप्टो को टैक्स को लेके, वो हमें बजट सेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगी जब वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके ऊपर कुछ क्लैरिफाई नहीं करा जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कुछ अच्छी न्यूज हो, बट यहाँ पे उड़ना स्टार्ट हो गई न्यूज कि यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स कम कर देगा, जबकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज यहाँ पे अभी नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हम बात करें FTX के बारे में, तो FTX के जो फाउंडर थे सैम, वो यहाँ पे यूएस उनको ले जा रहा है। अब वहां पे काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब उनसे सवाल वहां पे पूछे जाएंगे तो काफी जो लोग छुपे हुए हैं इस टाइम पे FTX के यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे हुआ था खेल, जिससे काफी लोग लॉस हुआ था उसके पीछे, वो यहाँ पे सामने निकल के आएंगे, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है और क्रिप्टो के अंदर एक और क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो वो हम एक नेगेटिव वे में इस टाइम ले सकते हैं, और हो सकता है मे बी उसके लिए एक ये फेक पम्प यहाँ पे लाया जा रहा हो। तो ऑल ओवर मार्केट के अंदर यही सारे अपडेट थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि मार्केट के अंदर काफी सारे चांसेस हैं, अगर एक भी रिडक्शन यहाँ पे कैंडल बनती है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ हमें यहाँ पे दिख जाए।